हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ई पोर्टल ऑफ अपेक्स एकेडमी, जिसमें वीडियो लेक्चर के थ्रू अभी तक हम मशीनिंग की मैकेनिज्म, मशीन टूल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म में हमने देखा था किस तरह से मेटल रिमूव होता है, कटिंग टूल की ज्योमेट्री क्या होती है, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं। उसके बाद हमने देखा था कि कैसे कटिंग फोर्स का एस्टिमेशन किया जाता है, कैसे उसे कैलकुलेट किया जाता है, तो हमने पढ़ा था बेटा मर्चेंट सर्किल के द्वारा। उसके बाद जो हमने टॉपिक्स देखे थे उसमें हमने नोटिस किया था कि कौन कौन सी मशीन टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उनके प्रिंसिपल क्या क्या हैं, कैसे वो फंक्शन करती हैं। आज हम एक और मशीनिंग टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, जो कि बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट वो बल्क मटीरियल रिमूवल प्रोसेस में नहीं आती है। यानी कि वो मशीनिंग जहां पर मटीरियल रिमूवल का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा कम होता है, दैट इज नोन एज ग्राइंडिंग मशीन। तो ग्राइंडिंग मशीन्स या ग्राइंडिंग मैकेनिज्म आज हम पढ़ेंगे। तो ग्राइंडिंग की सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है बेटा कि मटीरियल रिमूवल रेट कम होता है, मटेरियल रिमूवल रेट कम होता है। जैसे कि आप देखते हैं कि हम टर्निंग ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं तो वहां पे बल्क में मटेरियल रिमूव किया जाता है, ए लॉट ऑफ मटेरियल इज रिमूव्ड थ्रू द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। लेकिन आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ग्राइंडिंग पढ़ेंगे, इसमें आप नोटिस करेंगे कि मटेरियल बल्क की फॉर्म, यानी बहुत सारा मटेरियल रिमूव नहीं करते हैं बल्कि बहुत थोड़ा मटेरियल रिमूव करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो ग्राइंडिंग प्रोसेस है वो फिनिशिंग ऑपरेशन में यूज होता है, कि जब आप टर्निंग कर देते हैं किसी कंपोनेंट पे या थ्रेडिंग बना देते हैं, उसके बाद उसकी फिनिशिंग होनी जरूरी है एक्यूरेसी अच्छी करने के लिए, टॉलरेंस अच्छी करने के लिए। तो उसमें जो मटेरियल रिमूव होता है वो चिप्स की फॉर्म में ना होकर पार्टिकल्स की फॉर्म में होता है, इसी वजह से इसे कहते हैं एब्रेसिव मशीनिंग। किस फॉर्म में होता है बेटा मटेरियल रिमूव? पार्टिकल्स की, पाउडर की फॉर्म में होता है। ठीक है, इसी वजह से इसे हम कहते हैं एब्रेसिव मशीनिंग। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज एब्रेसिव मशीनिंग। ठीक है, और ठीक है, अब एब्रेसिव मशीनिंग बेसिकली दो तरह की है बेटा, दो कुछ तो अनकन्वेंशनल मशीनिंग में आती है, जैसे मैंने आपको बताया था एब्रेसिव जेट मशीनिंग अनकन्वेंशनल मशीनिंग में, ठीक है, एब्रेसिव जेट मशीनिंग, इसी तरह से अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। बट अभी चूंकि हम कन्वेंशनल मशीनिंग पढ़ रहे हैं, तो कन्वेंशनल मशीनिंग में जो एब्रेसिव मशीनिंग का एग्जाम्पल है दैट इज ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग, ठीक है। अब बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कम चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, ज्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं बताऊंगा, चाहे वो ईएससी लेवल का भी एग्जाम हो या गेट लेवल का एग्जाम हो, बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन में से यहां से क्वेश्चन आता है और बहुत ही प्लेन क्वेश्चन आता है, कोई ज्यादा ट्विस्ट उसमें या कुछ घुमाना फिराना ज्यादा नहीं किया जाता। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इस टॉपिक को हम समझेंगे, जिसमें हम जानेंगे सबसे पहले कि ग्राइंडिंग बेसिकली होती क्या है, फिर देखेंगे कुछ उसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, फिर कुछ और पैरामीटर जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम डिस्कस करेंगे, जैसे व्हील डेजिग्नेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज ग्राइंडिंग बेसिकली। ठीक है, ग्राइंडिंग, तो ग्राइंडिंग में जो सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट है वो याद रखना बेटा, इट इज a very high speed machining process। याद रखना बेटा, सबसे तेज अगर कोई पूछे किस मशीनिंग प्रोसेस में कटिंग स्पीड होती है तो आपका आंसर होगा बेटा ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग से ज्यादा किसी भी मशीनिंग प्रोसेस में बेटा आपका स्पीड नहीं होती है। तो बहुत ही सिंपल सी लाइन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट मैं यहां पर रखूंगा, जो दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है दैट इज मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, इस ग्राइंडिंग मैकेनिज्म में जो हम कटिंग टूल यूज करते हैं वो बेसिकली मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। उसके अंदर कई कटिंग एज होती हैं, कैसे होती हैं, क्या होते हैं, अभी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। अब नोटिस ये करना बेटा कि यहां पे जो कटिंग टूल होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, कटिंग टूल इज इन शेप ऑफ डिस्क और व्हील। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था बेटा, जैसे कि लेथ में हमने देखा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज हो रहा था,
तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की शेप कैसी थी, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में जैसे कि मिलिंग कटर कैसा था आपका, ठीक है, इसके अलावा आपका टू पॉइंट कटिंग टूल में ड्रिल बिट कैसा था, तो उन सबकी शेप आपकी अलग अलग थी। तो यहां पर जो कटिंग टूल है वो बेसिकली वो डिस्क या व्हील की शेप में होता है। आपने जनरली कॉलेज की वर्कशॉप में या किसी भी शॉप में आपने देखा होगा जो ग्राइंडिंग मशीन होती है उसमें एक व्हील लगा रहता है, जिसे मैं कहता हूं रफ व्हील, एक रफ व्हील लगा रहता है जिसे रोटेट किया जाता है और वर्कपीस को उसके अगेंस्ट यानी कि उससे सटाकर उसे रब किया जाता है, उसके अगेंस्ट रब किया जाता है जिससे मटेरियल रिमूव होता है इन फॉर्म ऑफ पाउडर, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है मेरा इंपॉर्टेंट वो है मटेरियल इज रिमूव्ड, मटेरियल इज रिमूव्ड इन फॉर्म ऑफ पाउडर और माइक्रो चिप्स, ठीक है। जो मटेरियल रिमूव होता है बेटा वो पाउडर की फॉर्म में या माइक्रो चिप्स की फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। तीसरी जो नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन का वो ये है कि दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग ऑपरेशन, इसमें फिनिशिंग ऑपरेशन किए जाते हैं, यानी कि किसी मशीनिंग ऑपरेशन से होकर या कास्टिंग प्रोसेस से होकर या वेल्डिंग से होकर फॉर्मिंग प्रोसेस से होकर कोई कंपोनेंट आएगा उसके बाद उस पर उसके ऊपर ग्राइंडिंग की जाएगी, ठीक है। अब ये तो बहुत बेसिक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था ग्राइंडिंग के बारे में, अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे विच आर रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखते हैं आगे कौन सा टॉपिक हम डिस्कस करते हैं ग्राइंडिंग में ही। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं लिखना चाहूंगा दैट इज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। देखिए अब तक जितनी भी मशीनिंग हमने पढ़ी है चाहे वो लेथ मशीनिंग थी या फिर ड्रिलिंग थी या फिर मिलिंग थी, शेपिंग थी, प्लेनिंग थी, उसमें जो कटिंग टूल होता है उसको याद होगा आपको हमने एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसे रीग्राइंड किया था जिसे हम टूल लाइफ से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। तो रीग्राइंड करने का काम भी हमें ही करना पड़ता, लेकिन ग्राइंडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आपका जो कटिंग टूल होता है उसकी सेल्फ शार्पनिंग होती है, सेल्फ शार्पनिंग ऑफ ग्राइंडिंग। अब मैं कटिंग टूल नहीं लिखकर ग्राइंडिंग व्हील लिखूंगा बेटा, ग्राइंडिंग व्हील। तो ग्राइंडिंग व्हील में जितनी भी कटिंग एज है बेटा उनकी सेल्फ शार्पनिंग होती है, सेल्फ शार्पनिंग यानी कि खुद ब खुद वो मशीनिंग के दौरान ही शार्प होते रहते हैं, ओके, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये मान लीजिए आपका ग्राइंडिंग व्हील है, ठीक है, इस ग्राइंडिंग व्हील में बेटा इसकी पेरिफेरी पर इसकी पर्टिकुलर एक थिकनेस होती है, यहां पर बेटा बहुत ही इरेगुलर शेप के एब्रेसिव पार्टिकल लगे रहते हैं इसे पूरी पेरिफेरी पर, ठीक है, इसी तरीके से ऊपर और इसी तरीके से नीचे, ओके। तो ये पूरा जो ग्राइंडिंग व्हील होता है बेटा ये यहां पर आप देख रहे हैं कि ये एब्रेसिव पार्टिकल्स। तो ये जो एब्रेसिव पार्टिकल जो आपके लगे हुए हैं दीज एब्रेसिव पार्टिकल एक्ट्स लाइक कटिंग एज, ठीक है। तो इसे हम सिंपली जो कहते हैं कि भैया जो ये एब्रेसिव पार्टिकल हैं इनको हम सिंपली क्या कहते हैं बेटा, कटिंग एज ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है। तो दीज आर एब्रेसिव पार्टिकल्स, तो एब्रेसिव पार्टिकल्स एब्रेसिव पार्टिकल एक्ट्स लाइक कटिंग एज, ठीक है। और इन एब्रेसिव पार्टिकल्स की बेटा लेयर होती है, एक यानी कि एक लेयर ये हो गई, फिर अगली लेयर यहां पर होगी इस तरीके से, एक रफ डायग्राम से दिखा रहा हूं, फिर ऐसी ये लेयर बढ़ती चली जाएंगी आप देख रहे हैं, ठीक है। तो लेयर बाय लेयर इन्हें इम्बेड किया जाता है, इम्बेड मतलब इन्हें एक तरह से फिट किया जाता है,
तो बेटा क्या होता है कि एब्रेसिव पार्टिकल्स आर फिटेड इन ए वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मैट्रिक्स मटीरियल, ठीक है, यानी कि जिस मटेरियल में ये पार्टिकल धसे रहते हैं उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स मटेरियल, ठीक है। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जो हम लिखेंगे हार्ड एंड शार्प एब्रेसिव पार्टिकल्स आर इंबेडेड इन ए मैट्रिक्स मटीरियल, इन ए मैट्रिक्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ऐसे लिख सकते हैं, ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मटेरियल, ठीक है। तो कभी आप डिस्क देखना, ग्राइंडिंग व्हील की या कोई भी व्हील होगा, ग्राइंडिंग व्हील, उसमें देखना बेटा, आप देखेंगे कि छोटे छोटे एब्रेसिव पार्टिकल्स जो होते हैं, जो बहुत ही हार्ड होता है, शार्प होते हैं, वो एक मैट्रिक्स मटेरियल में एम्बेडेड रहते हैं। बहुत ही हार्ड मैट्रिक्स मटेरियल होता है जिसका बॉन्ड बहुत हार्ड होता है, स्ट्रांग होता है, उसमें एम्बेडेड रहते हैं, ठीक है, ओके। अब ये जो आपके छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का काम करते हैं, ठीक है, मल्टी कटिंग एजेस हैं ये, समझ लीजिए, ये एक कटिंग एज, ये एक, ये एक, तो बहुत सारी कटिंग एज होती हैं, तो इसी वजह से हम इसे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कहते हैं। अब ये चूंकि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल बहुत छोटे छोटे कटिंग एज से हैं, इसलिए जो आपका मटेरियल रिमूव होता है वो माइक्रोचिप्स या पाउडर की फॉर्म में होता है, ये भी आप समझ सकते हैं बात, अब ठीक है। अब मटेरियल रिमूव कैसे होता है किसी भी ग्राइंडिंग प्रोसेस में, ये जानना बहुत जरूरी है, मटेरियल रिमूव कैसे होता है, ठीक है, ओके। देखिए बेसिकली वैसे तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं, मान लीजिए आपका ग्राइंडिंग व्हील है, ठीक है, अब इसमें जो पार्टिकल्स होंगे, मान लीजिए ये दो पार्टिकल्स, ठीक है, तो जो मटेरियल रिमूव होगा, जो आपका मटेरियल रिमूव होगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा, मैं आपको पिक्चराइजेशन करा देता हूं उसका, ये ऐसे, तो ये देख रहे हैं हम माइक्रोचिप्स बनी है, दीज आर, ये जो बनी है यहां पर, ये दीज आर माइक्रोचिप्स, बहुत शॉर्ट होती हैं, बहुत ही छोटी छोटी होती हैं, ओके, माइक्रोचिप्स। तो आप देख रहे हैं यहां पे दो तरह के आपके पार्टिकल हैं अवेलेबल, एब्रेसिव पार्टिकल, ठीक है। तो उसमें आप नोटिस कीजिए, एक तो यहां पर ये, दिस इज पॉजिटिव रेक एंगल, ये पॉजिटिव रेक एंगल है, और दिस इज नेगेटिव रेक एंगल, तो दोनों तरह के बेसिकली, जीरो रेक एंगल भी होता है, तो अब एब्रेसिव पार्टिकल पर दोनों तरह के रेक एंगल होंगे, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, ठीक है, बट जनरली एब्रेसिव पार्टिकल्स हैव लार्ज नेगेटिव रेक एंगल, ठीक है, अप टू माइनस 60 डिग्री, ठीक है, मैंने लिख दिया ये वैल्यू, दिस इज नॉट फिक्स्ड, ये कभी पूछी भी नहीं जाएगी, बट एक जनरल वैल्यू होना जरूरी है किसी भी चीज का, तो माइनस 60 डिग्री तक आप नेगेटिव रेक एंगल देते हैं। नेगेटिव रेक एंगल कैसे लिया हमेशा, ये कैसे पता चलता है बेटा, ये पता चलता है चिप्स की फॉर्म से, क्योंकि आप देख रहे हैं चिप, जो माइक्रोचिप्स हैं वो आपकी जितनी भी माइक्रोचिप्स हैं वो जो है डिस्कंटिन्यूअस है, मतलब छोटे छोटे चिप्स हैं, तो डेफिनेटली आपका नेगेटिव रेक एंगल होगा, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, मैं ऐसा कह रहा हूं कि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि हमेशा ही ये होगा, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि पॉजिटिव रेक एंगल भी हो सकता है और बैक रेक एंगल भी हो सकता है, ठीक है। तो
अब जो ये एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं, ये मटेरियल को रिमूव कैसे करते हैं, उसके तीन तरीके हैं, या कहूँ तीन घटनाओं को या तीन फिनोमिना को कंबाइन करके या उनका इफेक्ट को यूज करके ग्राइंडिंग होती है। कैसे होती है? तीन इफेक्ट कौन कौन से हैं बेटा? एक तो होता है शेयरिंग। आपको पता है जब भी मटीरियल रिमूव होगा शेयरिंग तो हर हालत में होगी ही होगी। दूसरा जो इफेक्ट है बेटा, दैट इज प्लोइंग। प्लोइंग जैसे खेत की जुताई होती है ना, उसी तरीके से उसे कहते हैं प्लोइंग। और जो तीसरा इफेक्ट है बेटा वो है रबिंग। रबिंग इन तीनों को इफेक्ट को मिलाकर अगर कोई पूछे व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल रिमूवल इन केस ऑफ ग्राइंडिंग, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल रिमूवल इन केस ऑफ ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग के केस में मटेरियल रिमूवल का प्रिंसिपल क्या है, तो आप बताएंगे शेयरिंग प्लस प्लोइंग प्लस रबिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको ये तो याद रखना है शेयरिंग का तो होगा इफेक्ट, क्योंकि मटेरियल पेरेंट मटेरियल से अलग हो रहा है। जब मटेरियल पेरेंट मटेरियल से अलग होगा, सेपरेट होगा, तो शेयरिंग तो होगी होगी। अब प्लोइंग क्या होती है? प्लोइंग ये होती है, मान लीजिए बेटा ये एब्रेसिव पार्टिकल है यहां पर, ठीक है, ये एब्रेसिव पार्टिकल, तो बेटा इस पर जो मशीनिंग होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। ये दिस इज वर्क पीस, दिस इज ग्रिट। एब्रेसिव पार्टिकल को हम ग्रिट भी कहते हैं, ग्रिट। तो आप देख रहे हैं बेटा जैसे खेत में जब हल चलता है प्लोइंग होती है, तो बेटा जुताई ऐसे होती है। तो आपने नोटिस किया होगा जो मिट्टी होती है वो आपकी दाएं और बाएं तरफ गिरती है हल्के, ठीक है। तो यहां पर भी जो चिप्स होंगे वो दाएं बाएं की तरफ बनेंगी, इसे कहते हैं बेटा जो शेप होती है चिप्स की, चिप्स जो होती हैं चिप्स विल बी ऑफ शेप ऑफ लीव्स, ऑफ लीव्स, पत्तियां जैसे हैं, पत्तियां जो होती हैं उस तरीके से, ठीक है। तो प्लोइंग के केस में ऐसा होता है। तो रबिंग के केस में क्या होता है बेटा, कि कोई भी एब्रेसिव पार्टिकल होगा तो इस पर मटेरियल का बल्क कुछ ऐसे होगा, ये ठीक है, ये इधर मूव करेगा, ओके, यानी कि व्हील ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये ग्रेट आपका इधर मूव कर रहा है टेंजेंशियली, ओके। तो रबिंग की वजह से बेटा आप देख रहे हैं कि मटेरियल इस ग्रिट के साथ, ये जो ग्रिट है आपका, इस ग्रिट के साथ साथ मूव करेगा। दिस इज वर्क पीस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ग्राइंडिंग। तो यहां ये जो बल्क है मटीरियल का, ये इस ग्रिट के साथ साथ मूव करेगा, ठीक है, इसे कहते हैं रबिंग, ओके। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि ग्राइंडिंग में जो मटेरियल रिमूवल हुआ वो तीन कारणों से हुआ, शेयरिंग, प्लोइंग, रबिंग। याद रखना किसी एक की वजह से नहीं, तीनों के कंबाइन इफेक्ट की वजह से मटेरियल रिमूव होगा, ठीक है, ओके, ठीक। अब आपको याद होगा बेटा मैकेनिज्म में, जब हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की मैकेनिज्म पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो निगेटिव और रेक एंगल वाले कटिंग टूल होते हैं उन पर कटिंग फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है, अगर आपके याद हो, अगर नहीं याद है तो आप पिछले लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो जो कटिंग जो टूल होता है, अगर उसका रेक एंगल नेगेटिव है तो क्या होता है, उस पर कटिंग फोर्स ज्यादा होता है। तो जितना रेक एंगल हाई होगा, हाई रेक एंगल, इसका मतलब होगा हायर कटिंग फोर्स, हायर कटिंग फोर्स। तो यानी कि यहां पर भी, चूंकि यहां तो बहुत हाई रेक एंगल ले रहे हैं हम, निगेटिव रेक एंगल, निगेटिव रेक एंगल हाई नहीं, यानी कि रेक एंगल जितना निगेटिव होगा उतना ज्यादा कटिंग फोर्स रिक्वायर्ड होगा फॉर द मशीनिंग। अब यहां तो बहुत हाई रेक एंगल ले रहे हैं, तो क्या होता है बेटा, टू अवॉइड इफेक्ट ऑफ हायर रेक एंगल, टू अवॉइड द इफेक्ट ऑफ हायर निगेटिव रेक एंगल, the cutting speed of grinding is taken
वेरी हाई। ठीक है, ज्यादा नेगेटिव एक एंगल होने की वजह से ज्यादा कटिंग फोर्स चाहिए होगा, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, ग्राइंडिंग के दौरान कटिंग स्पीड बहुत 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 ज्यादा रखी जाती है, वेरी वेरी हाई स्पीड रखी जाती है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बता दी। आप वीडियो पॉज करके नोट्स बनाते चलें, क्योंकि नोट्स जब तक आपके पास नहीं होंगे रिवीजन करने में उतना ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि जब ग्राइंडिंग होती है तो या तो ग्राइंडिंग व्हील रेसिप्रोकेट होता है, मान लीजिए व्हील है आपका, दिस इज द वर्क पीस, इसके ऊपर ये व्हील ऐसे ऐसे रेसिप्रोकेट होगा, या आप वर्क पीस रेसिप्रोकेट करते हैं। ठीक है, जब आप किसी छोटे कंपोनेंट को ग्राइंडिंग करना चाहते हो तो क्या होता है कि ग्राइंडिंग मशीन कौन होती है, ग्राइंडिंग व्हील चलता है उसके अगेंस्ट, उसके ठीक अगेंस्ट आप वर्कपीस को मूव कराते हो। यानी कि अगर ग्राइंडिंग व्हील आपका ऐसे रोटेट कर रहा है तो वर्कपीस जो होगा आपका, कहीं भी लगा सकते हैं छोटे वर्कपीस को, तो ऐसे रोटेट कराएंगे, ठीक अपोजिट, ठीक ओके, अगेंस्ट रोटेट कराते हैं। ओके, सॉरी, इसको ऐसे रोटेट कर, हाँ ठीक है, ये आपका ऐसे रोटेट कर रहा है, ये आपका ऐसे, ये तो ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, ये भी ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। ठीक है, सेम डायरेक्शन में कराएंगे बट अगेंस्ट, यानी कि एक प्रेशर अप्लाई करके। ठीक है, एक प्रेशर अप्लाई करके, जैसे वर्क ऐसे रोटेट करा तो आप इसे ऐसे ही रोटेट कराओगे या ऐसे रोटेट कराओ, तो एक्चुअली रोटेशन की डायरेक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, इंपॉर्टेंट होता है कि कहां पर वर्कपीस आपका अपोजिट डायरेक्शन में, जितना ज्यादा रखेंगे आप मोशन को वर्कपीस की तो आपका ग्राइंडिंग के दौरान मटेरियल उतना ही रिमूव होगा, ठीक है, तो मटेरियल या तो वर्कपीस को ग्राइंडिंग व्हील के अगेंस्ट रोटेट कराइए, या फिर बेटा क्या कीजिए आप कि उसे रब कीजिए वर्कपीस के ग्राइंडिंग व्हील के अगेंस्ट, या फिर जो ग्राइंडिंग व्हील होता है वो सरफेस पर रब करेगा, यानी कि वर्कपीस रेसिप्रोकेट होगा और वो आपका ग्राइंडिंग व्हील उसके ऊपर रोटेट होगा। ठीक है, तो इस ये डिपेंड करता है बेटा एक्चुअली कि कौन सी ग्राइंडिंग मशीन हम यूज कर रहे हैं, वो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, ओके, अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा, इन फीड, ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा कई जगह, इन फीड। ठीक है, इन फीड क्या होती है बेटा ग्राइंडिंग के केस में, इट इज द एंगेजमेंट इसको पहले ऐसे समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर ग्राइंडिंग व्हील, कंसिडर दिस इज द ग्राइंडिंग व्हील एंड दिस इज द वर्क पीस, ठीक है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो आप देख रहे हैं कि यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक, ये जो पोर्शन है ये वर्कपीस का और ग्राइंडिंग व्हील का, दिस इज ग्राइंडिंग व्हील एंड दिस इज वर्कपीस, ओके, तो ग्राइंडिंग व्हील और वर्कपीस का इतना एरिया कांटेक्ट में है, इतना एरिया कांटेक्ट में, और इसी एरिया जो कांटेक्ट एरिया है, ये जो कांटेक्ट एरिया है, कांटेक्ट एरिया, इसी को हम कहते हैं इन फीड। ठीक है, तो ये जो कॉन्टैक्ट हो रहा था, ये जो इंगेजमेंट होता है बेटा, द इंगेजमेंट बिटवीन द वर्क पीस एंड ग्राइंडिंग व्हील इज नोन एज इनफीड, द इंगेजमेंट बिटवीन द वर्क पीस एंड ग्राइंडिंग व्हील इज नोन एज इनफीड। ओके, ये टर्म आप याद रखना। ओके, ठीक है, अब बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग के, अब बात करते हैं टाइप्स, कितने टाइप की होती है ग्राइंडिंग, या कहूं ठीक है कि ग्राइंडिंग प्रोसेस कितने तरह के होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग, टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग कितने तरह की होती है ग्राइंडिंग। ठीक है, बहुत तरह की होती है बेटा, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको जस्ट इंट्रोडक्शन की फॉर्म में बता देता हूं। सबसे पहले होती है बेटा सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें इंपॉर्टेंट ऐसा जो एग्जाम में आता हो, बट फिर भी थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मतलब इट प्रोड्यूस, इसमें सिर्फ और सिर्फ सिलेंड्रिकल सरफेस ही प्रोड्यूस होंगे,
सिलिंड्रिकल सरफेसेस ही आपका ग्राइंड हो पाएंगे, ठीक है। अब ये सिलिंड्रिकल सरफेसेस दो तरह के हो सकते हैं बेटा, एक तो एक्सटर्नल और एक इंटरनल, या तो इंटरनल सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग होगी या एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग होगी, ठीक है। यानी कि अगर किसी वर्कपीस, जैसे सिलिंड्रिकल वर्कपीस है आपका ये, इस पर यहां पर ग्राइंड करना है, या फिर अगर कोई हॉलो वर्कपीस है ऐसा ही, तो उसके अंदर भी आप ग्राइंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब सिलिंड्रिकल सरफेस जो होते हैं उनको ग्राइंड करने के लिए हम एक्सटर्नल या इंटरनल किसी भी फॉर्म में सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग करते हैं, ठीक है। ओके, दूसरा बेटा जो ग्राइंडिंग होती है नंबर टू, उसे कहते हैं रिब्ड ग्राइंडिंग, रिब्ड व्हील ग्राइंडिंग। इसे मैं अलग से बता रहा हूं आपको, वैसे तो ये सिलेंड्रिकल की फॉर्म में आती है, बट फिर भी मैं इसे अलग से बता रहा हूं, उसके पीछे वजह है। रिब्ड व्हील ग्राइंडिंग, रिब्ड व्हील ग्राइंडिंग बेटा, इट इज यूज्ड टू ग्राइंड थ्रेड्स, ये याद रखना आप। है तो ये भी सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग, क्योंकि थ्रेड्स जो होंगी वो बेसिकली सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट पे ही होती है, तो थ्रेडर जब सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होंगे और उसकी ग्राइंडिंग होगी तो वो भी सिलेंड्रिकल ही कहलाएगी, बट जो व्हील यूज होता है इसमें वो रिब्ड होता है। यानी कि मान लीजिए आपका ये थ्रेड्स है, एक रफ डायग्राम देख लीजिए आप, ये इन थ्रेड पर ऐसे व्हील होंगे, ये दीज आर द व्हील, ये ऐसे रोटेट करेंगे, और ये जो व्हील होते हैं बेटा, ये दोनों, ये जो व्हील होते हैं आपके, इन्हीं व्हील को कहते हैं रिब्ड व्हील, रिब्ड व्हील। तो ये थ्रेड्स के बीच में ये जो व्हील प्रोजेक्शन होते हैं, ये अकॉर्डिंग टू द थ्रेड जो भी शेप होगी उसी की शेप के आपके व्हील अवेलेबल होंगे, तो इसे कहते हैं रिब्ड व्हील। तो अगर कोई पूछे है कि रिब्ड ग्राइंडिंग जो होती है, या रिब्ड व्हील ग्राइंडिंग जो होती है, उसमें किसे आप ग्राइंड करते हैं, तो आपका आंसर होगा थ्रेड, क्या होगा थ्रेड, ओके ठीक है, ये हो गई। नेक्स्ट जो है नंबर थर्ड, जो नंबर थर्ड है आपकी ग्राइंडिंग, वो कहलाती है बेटा सरफेस ग्राइंडिंग। इसे मैं अलग से बताऊं थोड़ा, ओके। नेक्स्ट है बेटा सरफेस ग्राइंडिंग, सरफेस ग्राइंडिंग, ठीक है। सरफेस ग्राइंडिंग में आपको पता ही है बेटा क्या चल रहा है, कि कटिंग मोशन जो होगी, जो कटिंग मोशन होगी, कटिंग मोशन वो तो दी जाएगी बेटा आपको ग्राइंडिंग व्हील को, ग्राइंडिंग व्हील को दी जाएगी, ठीक है। और बेटा जो फीड मोशन होगी वो दी जाएगी बेटा आपको, सॉरी इसे हम ऐसे नहीं समझेंगे, अकॉर्डिंग टू डायग्राम ही सब, क्योंकि सब जगह एक जैसा नहीं होता। सरफेस ग्राइंडिंग में बेटा यही है कि फ्लैट सरफेसेस आर ग्राइंड, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, फ्लैट सरफेसेस आर ग्राउंडेड। फ्लैट सरफेस की जब हम ग्राइंडिंग करते हैं तो उसे हम कहते हैं सरफेस ग्राइंडिंग। अब सरफेस ग्राइंडिंग जो होती है कई तरह की होती है, मान लीजिए दिस इज द ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है, एंड दिस इज वर्क पीस, ओके। और मैंने मान लिया ये आपकी लेंथ है वर्क पीस की, दिस इज द लेंथ, दिस इज द लेंथ, इट इज रोटेटिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये ग्राइंडिंग व्हील हो गया और ये हो गया आपका वर्क पीस, ओके, ठीक है, वर्क पीस। तो इसमें नोटिस कर रहे हैं आप कि जो फीड है बेसिकली, वो देखिए इसमें क्या होता है कि वर्क पीस रेसिप्रोकेट्स, यहां पर होगा रेसिप्रोकेशन, रेसिप्रोकेशन, यानी कि वर्क पीस जो है आपका रेसिप्रोकेट करेगा ऐसे ऐसे, ओके। और जो ग्राइंडिंग व्हील है वो यह है, तो ये तो हो गई कटिंग मोशन, और वर्कपीस को दी गई आपकी फीड मोशन। अब फीड मोशन दी गई है अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ, तो यहां पर ये कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल फीड, लॉन्गिट्यूडनल फीड। अब चूंकि फ्लैट सरफेस बना रहे हैं तो फ्लैट सरफेस की वजह से इसे कहते हैं सरफेस ग्राइंडिंग। तो आपका जो ग्राइंडिंग व्हील है वो ऐसे रोटेट कर रहा है,
रोटेट कर रहा है तो उसके अगेंस्ट हम ऐसे ऐसे वर्कपीस को फीड कराएंगे, ठीक है, रेसिप्रोकेशन। तो इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल फीड, लॉन्गिट्यूडनल फीड। दूसरा तरीका क्या है बेटा, मान लीजिए दिस इज द ग्राइंडिंग व्हील, इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट, एंड दिस इज द वर्कपीस, दिस इज द वर्कपीस, और इस वर्कपीस को आप ऐसे ऐसे रेसिप्रोकेट करा रहे हैं। दिस इज द लेंथ, एक्चुअली इधर कहीं लेंथ है वर्कपीस की, इट इज रोटेटिंग। तो ये तो हो गई कटिंग मोशन बेटा, और ये होगी वर्कपीस में जो ऐसे ऐसे दे रहे हैं, ये हो गई आपकी फीड मोशन वर्कपीस को जो प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो वर्कपीस जब अपनी विड्थ के अलोंग आपका ऐसे ऐसे मूव होगा तो उसे कहते हैं ट्रांसवर्स फीड, ट्रांसवर्स फीड, ओके। यहां पर लॉन्गिट्यूडनल फीड था बेटा, और यहां पर क्या हुआ बेटा आपका ट्रांसवर्स फीड, ओके। तो यहां पर लॉन्गिट्यूडनल फीड है अलोंग द लेंथ, और यहां पे अलोंग द विड्थ, तो उसे ट्रांसवर्स फीड कह दिया, ठीक है, ओके। नाउ थर्ड वन, थर्ड तरीका क्या हो सकता है सरफेस ग्राइंडिंग का, थर्ड तरीका ये हो सकता है बेटा कि दिस इज द वर्क पीस एंड दिस इज ग्राइंडिंग व्हील, ये आपका ग्राइंडिंग व्हील है, ठीक है, एंड दिस इज द, तो आप यहां देख रहे हैं कि जो ग्राइंडिंग व्हील है बेटा आपका, ग्राइंडिंग व्हील सॉरी, वो वर्क पीस पर मूव कर रहा है विद वर्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां पर वर्टिकल एक्सिस है रोटेशन की, वर्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन, रोटेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि वर्कपीस को ऐसे ऐसे फील्ड कराएंगे, ठीक है, वर्कपीस को ऐसे ऐसे फील्ड कराएंगे, वर्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन। हो सकता है कुछ जो छोटी मशीन होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक मशीन होती है ग्राइंडिंग, जिसमें आप किसी दीवार पर मान लीजिए कोई आपने स्टोन लगवाया है तो उसकी आपको रबिंग करानी है, घिसाई करानी है, तो उसमें क्या होता है कि आगे एक ऐसा ग्राइंडर लगा रहता है, ग्राइंडिंग व्हील, और हाथ में लेकर उसे पोर्टेबल ऐसे ऐसे मूव कराते हैं, तो वहां पे हम जो फीड देते हैं बेसिकली वो वर्कपीस को ही, सॉरी ग्राइंडिंग व्हील को ही देते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई स्पेशल कोई अरेंजमेंट होता होगा, तो फीड की वैसे बेसिकली किसी को भी दी जा सकती है, अगर छोटी मशीन है तो ग्राइंडिंग व्हील को दे दीजिए, और अगर बड़ी मशीन है जो कि फिक्स है अपने बेस पर, तो बेटा वहां पर वर्कपीस को देनी होगी फीड। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप किसे दे रहे हैं फीड किसे नहीं, मैं आपको एक जनरल प्रोस्पेक्टिव बता रहा हूं, ठीक है, सरफेस ग्राइंडिंग का, ओके, ठीक है। देयर इज वन मोर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ग्राइंडिंग व्हील एंड दिस इज द वर्क पीस, दिस इज द वर्क पीस, तो ग्राइंडिंग व्हील तो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर ही रहा है, ऐसे इट इज रोटेटिंग, एंड द फीड इज इन दिस डायरेक्शन, फीड इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अब वर्कपीस को ऊपर उठा लीजिए, ग्राइंडिंग व्हील को नीचे ले आइए, ठीक है, तो वो फीड हो जाए, तो इसे कहते हैं बेटा डाउन फीड, डाउन फीड सरफेस ग्राइंडिंग, ठीक है, डाउन फीड सरफेस ग्राइंडिंग, ठीक है। तो ये था बेटा सरफेस ग्राइंडिंग के बारे में, ओके। नेक्स्ट जो है उसके बाद जो नंबर आता है बेटा उसको देखते हैं अब, एक होती है बेटा क्रीप ग्राइंडिंग, नंबर फोर क्रीप ग्राइंडिंग, क्रीप ग्राइंडिंग, क्रीप ग्राइंडिंग में क्या होता है बेटा, इट इज जस्ट लाइक सरफेस ग्राइंडिंग, बट इट इज जस्ट लाइक सरफेस ग्राइंडिंग, बट With higher depth of cut, higher depth of cut, यानी कि इसमें क्या होता है बेटा कि जो depth of cut होती है, तो यह depth of grinding होती है, यहां पे depth of cut ना कहकर बेटा depth of grinding कह देते हैं, मैं लिख देता हूं उसे depth of grinding,
डेप्थ ऑफ ग्राइंडिंग। तो सरफेस ग्राइंडिंग में जो डेप्थ ऑफ ग्राइंडिंग होती है जो अगर वो बहुत हायर है तो उसे हम कह देते हैं क्रीप ग्राइंडिंग। क्या कह देते हैं? क्रीप ग्राइंडिंग। इसके अलावा बेटा आप ग्राइंडिंग अगर टूल कटिंग टूल या किसी कटर को ग्राइंड कर रहे हो तो उसे टूल एंड कटर ग्राइंडिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके। तो वो इतना ऐसा कोई खास वो नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि या उसके बारे में कुछ एग्जाम में पूछा जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ओके। अब एक होती है बेटा प्लंज ग्राइंडिंग। प्लंज ग्राइंडिंग क्या होती है? प्लंज ग्राइंडिंग ये देख लेते हैं। प्लंज ग्राइंडिंग क्या होती है बेटा? इट इज जनरली डन ऑन ऑन लेथ बाय मैग्नेटिक चक। ठीक है, ये जनरली लेथ पे की जाती है और इसमें जब चक यूज होता है वो मैग्नेटिक होता है। ठीक है, मैग्नेटिक होता है, तो इसे हम कहते हैं बेटा प्लंज ग्राइंडिंग। बहुत ही सिंपल इंफॉर्मेशन आएंगी, बहुत ज्यादा डीप में नहीं आएगा इसमें। ठीक है, नंबर सिक्स इज जो सिक्स नंबर है जो कि मैं मानता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, जिसे हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, वो है बेटा सेंटरलेस ग्राइंडिंग। अब सेंटरलेस ग्राइंडिंग क्या होती है इसको देखते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको अलग से ही बताता हूं। तो अब हम बात करेंगे बेटा सेंटरलेस ग्राइंडिंग की। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है ग्राइंडिंग का सेंटरलेस ग्राइंडिंग। इस पर बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। ओके, तो सेंटरलेस ग्राइंडिंग होती क्या है पहले तो हम यही समझ लेते हैं। ठीक है, इन दिस ग्राइंडिंग द एक्सिस ऑफ और द सेंटर ऑफ वर्कपीस विल नॉट बी फिक्स्ड। ठीक है, इसमें क्या होगा बेटा कि ये ग्राइंडिंग आपका ये ग्राइंडिंग व्हील होगा और एक आपका रेगुलेटिंग व्हील होगा। ग्राइंडिंग व्हील एंड रेगुलेटिंग व्हील, दो व्हील ये होंगे और वर्कपीस जो होगा बेटा वो इन दोनों व्हील के बीच में होगा। दिस इज द वर्कपीस, दिस इज ग्राइंडिंग व्हील। ठीक है, दिस विल बी रेगुलेटिंग व्हील। ठीक है, एंड दिस विल बी द वर्कपीस। ग्राइंडिंग व्हील और रेगुलेटिंग व्हील की जो एक्सिस होगी उस कॉमन होगी, यानी कि जो सेंटर होंगे वो एक सिंगल लाइन पर होंगे, एक सीध में होंगे, और जो वर्कपीस है उसे थोड़ा सा इससे ऊपर रखा जाता है। ठीक है, ओके। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर वर्कपीस को जो है वो मैंने फिक्स नहीं किया, इट इज फिक्स्ड हियर, ये यहां पर फिक्स रहता है, ये यहां पर फिक्स रहता है, लेकिन वर्कपीस का जो सेंटर है एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसे फिक्स नहीं किया जाता। ठीक है, बल्कि इसे एक सपोर्ट दी जाती है यहां पर एक ब्लेड की मदद से। ब्लेड होता है एक ऐसा, दिस इज ब्लेड टू सपोर्ट। ओके, ब्लेड टू सपोर्ट, वर्कपीस को सिर्फ एक सपोर्ट की जरूरत होती है। अब यानी कि ये कहने का मतलब यह है कि वर्कपीस का जो एक्सिस है इट कैन मूव लाइक दिस अपवर्ड बैकवर्ड, ठीक है, अपवर्ड डाउनवर्ड किसी भी तरीके से मूव कर सकता है। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, सबसे पहले हम समझते हैं कि सेंटरलेस ग्राइंडिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें पता होने चाहिए। सबसे पहली चीज जो है बेटा वो ये याद रखना कि इट इज सुटेबल ओनली फॉर सिलेंड्रिकल वर्कपीस। इसमें सिर्फ और सिर्फ सिलेंड्रिकल वर्कपीस ही ग्राइंड किए जाते हैं, सिलेंड्रिकल वर्कपीस को ही हम इसमें ग्राइंड कर सकते हैं। पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है इसमें कि ठीक है द एक्सिस या कहूं सेंटर या कहूं आउटर डाया, ठीक है, ओके, आउटर डाया ऑफ वर्कपीस इज नॉट हेल्ड बिटवीन सेंटर्स,
ठीक है, वर्कपीस का जो आउटर डाया है उसे वो सेंटर्स के बीच में हेल्ड यानी कि उसे फिक्स नहीं किया जाता, बल्कि क्या करते हैं, ए ब्लेड इज यूज्ड टू सपोर्ट, ए ब्लेड इज यूज्ड टू सपोर्ट द वर्कपीस, ये जो ब्लेड है ये इसे सपोर्ट करता है सिर्फ, इसमें सिर्फ ये होता है, किसी भी तरीके से सेंटर के बीच इसे हेल्ड नहीं किया जा सकता। तो वी कैन से द पोजीशन ऑफ वर्कपीस इज नॉट फिक्स्ड, कहां पर रहेगा कैसे रहेगा, ठीक है, ये बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता है। ओके, अब देखिए रेगुलेटिंग व्हील का क्या काम है यहां पर, ये रेगुलेटिंग व्हील क्या होता है, ठीक है, इसे देख लेते हैं। रेगुलेटिंग व्हील इज यूज्ड टू रोटेट वर्कपीस। रेगुलेटिंग व्हील क्या करता है बेटा, वो वर्कपीस को रोटेट करता है, किसके अगेंस्ट रोटेट करेगा, द ग्राइंडिंग व्हील के, ठीक है, द ग्राइंडिंग व्हील के। ओके, चौथी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो उसमें ये है, नॉन सिमेट्रिकल वर्कपीस कैन आल्सो बी ग्राउंडेड, यानी कि जो नॉन सिमेट्रिकल वर्कपीस है उन्हें भी इसमें ग्राइंड किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि सिमेट्रिकल ही हो, बट नॉन सिमेट्रिकल। अब नॉन सिमेट्रिकल से मतलब यहां पर क्या है बेटा, कि थोड़े से अनइवन, बहुत ज्यादा अनइवन या कॉम्प्लेक्स शेप ग्राइंड नहीं कर सकते बेसिकली, बेशक हम यहां पर, बट थोड़ी बहुत नॉन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बट रहेंगे वो कुछ सर्कुलर शेप के ही, उन्हें आप ग्राउंड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, छठी चीज जो इंपॉर्टेंट है यहां पर वो ये है, वर्कपीस इज कैप्ट अबव द कॉमन एक्सिस, ऑफ ग्राइंडिंग व्हील एंड रेगुलेटिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील और रेगुलेटिंग व्हील का जो ये कॉमन एक्सिस है, वर्कपीस हमेशा इससे ऊपर ही रखा जाएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि ये नीचे ना गिरे एक तरीके से। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, अब ये जो रेगुलेटिंग व्हील है, नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, रेगुलेटिंग व्हील इज कैप्ड विद एन इंक्लिनेशन विद रेस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। रेगुलेटिंग व्हील का जो एक्सिस है बेटा वो थोड़ा सा इंक्लाइंड रहेगा, मान लीजिए ये ग्राइंडिंग व्हील का एक्सिस ऑफ रोटेशन है और रेगुलेटिंग व्हील का जो आपका एक्सिस होगा वो थोड़ा सा इंक्लाइंड होगा, किसके रेस्पेक्ट में बेटा, ग्राइंडिंग व्हील के रेस्पेक्ट में। देखिए यहां पर ये ऐसे जाएगा और ये बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द बोर्ड रहेगा, तो दिस इज द परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, बिल्कुल। ओके, और यहां पर ये थोड़ा सा इंक्लाइंड बनाया जाता है, एक एंगल दिया जाता है इसे, ठीक है। अब एंगल देने से क्या होता है कि जब रेगुलेटिंग व्हील वर्कपीस पर फोर्स लगाता है तो उस फोर्स वो इंक्लाइंड होता है टू द वर्कपीस एक्सिस, ठीक है, वर्कपीस का जो एक्सिस है वो ऐसे ही रहेगा, चाहे ऊपर जाए नीचे जाए दाएं जाए बाएं जाए, तो परपेंडिकुलर टू द बॉडी रहेगा, तो उसके भी आप इंक्लाइंड रहेगा आपका रेगुलेटिंग व्हील का एक्सिस। अब इससे क्या होगा कि जो रेगुलेटिंग व्हील वर्कपीस पर फोर्स लगाएगा उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ठीक है। ओके, वो मैं लिख देता हूं यहां पर, नेक्स्ट पॉइंट, रेगुलेटिंग व्हील शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, एक्सर्ट्स एन इंक्लाइंड फोर्स ऑन वर्कपीस, ठीक है,
ठीक है, वर्क पीस पर एक इंक्लाइंड फोर्स लगा। अब इंक्लाइंड फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे हमेशा, एक तो परपेंडिकुलर टू द बोर्ड और एक पैरेलल टू द बोर्ड, यानी कि ऐसे होगा एक तो, जैसे ये है ना, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ऐसे होगा परपेंडिकुलर टू द बोर्ड और एक ऐसे होगा, ठीक है, दो कंपोनेंट होंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वन कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स गिव्स इनफीड एंड अदर कंपोनेंट गिव्स थ्रू फीड। अब इस इंक्लाइंड फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, पहला कंपोनेंट जो होगा बेटा, फर्स्ट कंपोनेंट, वन कंपोनेंट, वो तो देगा बेटा इनफीड, और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो देगा थ्रू फीड। इनफीड क्या होती है बेटा, इनफीड इज यूज्ड टू इंसर्ट द वर्क पीस बिटवीन द टू व्हील्स, ठीक है, यानी कि इनफीड की वजह से क्या होगा बेटा कि आपका जो वर्कपीस होगा वो जो है इन दोनों व्हील्स के बीच में आपका गुजरेगा, इन दोनों के वर्कपीस के में से होकर गुजरेगा। और थ्रू फीड का मतलब होता है कि वर्कपीस एक एंड से एंट्री करेगा, दूसरे एंड पर जाकर आपका निकल जाएगा, ठीक है, यानी कि एक एंड पर आपकी एंट्री होगी वर्कपीस की और दूसरे एंड पर उसकी एग्जिट होगी। ओके, तो दो तरह के कंपोनेंट लगे एक इंक्लाइंड फोर्स की वजह से। पहला कंपोनेंट क्या कर रहा है बेटा, फिर से सुन लीजिए, वो वर्कपीस को एंट्री दिलाएगा इन बिटवीन द टू व्हील्स, और दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो बेटा वर्कपीस की एक सिरे से एंट्री दिलाएगा, दूसरे सिरे पर एग्जिट, यानी कि आपको फीड देने की जरूरत नहीं है, देयर विल बी ऑटोमेटिक फीड। फीड जो है वो आपका ऑटोमेटिक खुद चलेगी, एक बस आपको क्या कराना है, वर्कपीस को एक बार एंट्री कराना है, उसके बाद जब वर्कपीस फिनिश्ड होके ग्राउंड होके खुद ब खुद बाहर निकल जाएगा, ठीक है, खुद ब खुद बाहर निकल जाएगा। तो ये था बेटा आपका सेंटरलेस ग्राइंडिंग के बारे में। अब सेंटरलेस ग्राइंडिंग जो होती है वो बेटा बेसिकली तीन तरह की होती है। सेंटरलेस ग्राइंडिंग क्या होती है बेटा, बेसिकली तीन तरह की होती है, ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से तरीके की है। सबसे पहली जो आपकी सेंटरलेस ग्राइंडिंग है, अब मैं बात करता हूं टाइप्स की कि सेंटरलेस ग्राइंडिंग के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, टाइप्स, ठीक है, सेंटरलेस ग्राइंडिंग के। तो पहला जो टाइप है बेटा वो कहलाता है इनफीड सेंटरलेस ग्राइंडिंग, इनफीड सेंटरलेस ग्राइंडिंग, ठीक है, इनफीड, ठीक है। तो ये बेसिकली जो हमने अभी पढ़ी वही है। इसमें हम क्या कर सकते हैं बेटा कि मान लीजिए ये आपका व्हील, आपका एक तो ये हो गया आपका व्हील, ठीक है, और रेगुलेटिंग व्हील को हमें इससे थोड़ा सा इंक्लाइंड रखना है, ओके, ये ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ग्राइंडिंग व्हील, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बेटा, और ये हो गया आपका रेगुलेटिंग व्हील, ठीक है। रेगुलेटिंग व्हील को अगर आप ध्यान से देखें रेगुलेटिंग व्हील का अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन आप ध्यान से देखें बेटा,
ये आपका रेगुलेटिंग व्हील का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो आप देख रहे हैं देयर इज अ एंगल इन बिटवीन देम अल्फा, इसे कहते हैं इंक्लिनेशन एंगल। क्या कहते हैं इसे? इंक्लिनेशन एंगल। ओके, तो रेगुलेटिंग व्हील जो हो गया आपका, उसे एक एंगल पे रखेंगे, आपको ये पता ही चल गया है, उसे हम एक एंगल पे रखेंगे। उसे एक एंगल पे रखेंगे, ठीक है? ओके, तो ये हो गया आपका इनफीड सेंटरलेस ग्राइंडिंग का डायग्राम। अब इसके अंदर जो वर्कपीस होगा बेटा, वो आपका वेरिएबल डायमीटर का हो सकता है, ऐसा। दिस इज द वर्क पीस, दिस इज द वर्क पीस, ठीक है? तो आपको एक सिरे से एंट्री करानी है वर्क पीस के बीच में, तो ये आपका ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा, ठीक है? हर डायमीटर के लिए, हर डायमीटर के लिए अलग अलग गैप होगा इनके बीच में, ठीक है? तो जैसे यहां पर देख रहे हैं आप दो तरह के डायमीटर, तो इस डायमीटर को अलग गैप पे करना पड़ेगा, इस डायमीटर को अलग गैप पे करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि पार्ट्स विद वेरिएबल डायमीटर, पार्ट्स विद वेरिएबल डायमीटर, पार्ट्स विद वेरिएबल डायमीटर डायमीटर्स कैन बी ग्राउंडेड इजिली, कैन बी ग्राउंडेड grounded easily, ठीक है? ओके, ये आपका ऐसे रोटेट करेगा, ये आपका ऐसे रोटेट करेगा, तो क्या होगा? आप देख सकते हैं कि यहां पर ये आपकी ग्राइंडिंग हो जाएगी। वेरिएबल डायमीटर को भी ग्राइंड कर सकते हैं यहां पर, ठीक है? एक्सिस का वही है, रोटेशन दिया जा, थोड़ा सा इंक्लिनेशन दिया है हमने, ठीक है? तो यानी कि एक ग्राइंडिंग व्हील तो ऐसे होगा मान लीजिए, और एक ग्राइंडिंग व्हील थोड़ा सा टिल्ट होगा ऐसे। ओके, तो जब इनके पीस वर्कपीस दिया जाएगा तो एक इंक्लाइंड फोर्स लगेगा वर्कपीस पर, जिसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट थ्रू फीड देगा और एक कंपोनेंट इन फीड देगा। तो ये जो इन फीड के लिए है, एक कंपोनेंट का जो मेन मकसद है वो इन फीड सेंटरलेस ग्राइंडिंग कहलाता है। ओके, समझ में आ गई बात? ठीक है, अब दूसरा जो टाइप है बेटा, दूसरा टाइप देख लेते हैं बेटा सेंटरलेस ग्राइंडिंग का। सेकेंड टाइप, टाइप टू, इसे कहते हैं एंड फीड। एक तो इन फीड हो गई बेटा, और एक होगी एंड फीड सेंटरलेस ग्राइंडिंग, ठीक है? इसमें क्या होता है बेटा, जो वर्कपीस सिलेंडर टिश शेप के होते हैं, सिलेंडर, ठीक है? ओके, सिलेंडर क्या होता है बेटा, हाई लेंथ टू डायमीटर, यानी कि वो कंपोनेंट जिसकी लेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है और डायमीटर कम होता है, उसे सिलेंडर कहते हैं। जैसे कि आपका कोई लंबा सा रॉड है या कोई शाफ्ट है, ठीक है, वो सिलेंडर वर्कपीस जो होते हैं, ठीक है? तो जो सिलेंडर वर्कपीस होते हैं बेटा, अब ये सिलेंडर वर्कपीस आपके स्ट्रेट भी हो सकते हैं बेटा, स्ट्रेट, और टेपर भी हो सकते हैं, टेपर भी हो सकते हैं, ठीक है, स्टेप्ड भी हो सकते हैं, सब तरीके से हो सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है शेप वो मैं लिख रहा हूं, स्ट्रेट भी है, टेपर भी है, स्टेप्ड भी है, ठीक है? सिलेंडर शेप है, यानी कि लेंथ ज्यादा है, डायमीटर या विड्थ बहुत कम है। ओके, तो उन्हें आप जो है यहां पर मशीन कर सकते हैं। तो बेटा यहां पे फॉर्म ग्राइंडिंग व्हील यूज होते हैं, फॉर्म्ड ग्राइंडिंग व्हील यूज होते हैं, ठीक है? मान लीजिए कोई टेपर वर्कपीस है ऐसा, ये टेपर वर्कपीस है, तो अब इसे आपको ग्राइंड करना है, तो इसके लिए आपका जो ग्राइंडिंग व्हील होंगे वो इसी फॉर्म के होंगे, ये ग्राइंडिंग व्हील होगा, ये आपका रेगुलेटिंग व्हील होगा, ये आपका वर्कपीस होगा, ठीक है? और इसके इस एंड पर फीड प्रोवाइड करानी पड़ती है, यहां पर फीड प्रोवाइड करानी पड़ेगी, फीड इज प्रोवाइडेड एट एंड ऑफ वर्कपीस, फीड इज प्रोवाइडेड एट एंड ऑफ वर्कपीस, वर्कपीस के एंड पर, ठीक है? तो एक तो ग्राइंडिंग व्हील हो गया, ये आपका ग्राइंडिंग व्हील हो गया, ये अब एब्रेसिव पार्टिकल नजर आ रहे हैं इस पर थोड़े बहुत,
ठीक है, और ये आपका रेगुलेटिंग व्हील हो गया। तो आप देख रहे हैं इनकी शेप जो है अकॉर्डिंग टू वर्क पीस ही ली जाएगी, ठीक है। तो इसे कहते हैं एंड फीड सेंटरलेस ग्राइंडिंग, एंड फीड सेंटरलेस ग्राइंडिंग। ओके, अब बात करते हैं बेटा थर्ड टाइप की। थर्ड टाइप बेटा जो एग्जाम में पूछा जाता ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ वही बता रहा हूं, इसके अलावा इसमें से एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ओके, नंबर थर्ड इज, ये तो फीड ही रहेगा, थ्रू फीड। तो थ्रू फीड जो होती है, सेंटरलेस ग्राइंडिंग जो होती है, उसमें क्या होता है बेटा, सेम वही जो हमने डायग्राम बनाया था, ठीक है, वही यहां पर भी यूज होगा। सबसे शुरू में जो बनाया था, यानी कि ये आपका ग्राइंडिंग व्हील हो गया, ये आपका रेगुलेटिंग व्हील हो गया, एंड दिस इज द, ये आपका रेगुलेटिंग व्हील, थोड़ा पास बना देता हूं, दिस इज रेगुलेटिंग व्हील एंड दिस इज योर वर्क पीस, दिस इज द वर्क पीस। ओके, यहां पर ये ब्लेड रहेगा जो कि सपोर्ट करेगा वर्क पीस को। ये वही डायग्राम है बेटा जो अभी हमने डिस्कस किया था। बस क्या होगा बेटा कि जो आपका रेगुलेटिंग व्हील है वो एक इस एंगल पर होगा, इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो विद रेस्पेक्ट टू द ग्राइंडिंग व्हील, दिस इज ग्राइंडिंग व्हील, दिस इज रेगुलेटिंग व्हील एंड दिस इज वर्क पीस। ओके, एक एक्सिस पर इनके बीच होगा, देखिए यहां पर ये तो ऐसे है और ये ऐसे है, तो इनके बीच एक एंगल होगा अल्फा, जो मैंने अभी आपको बताया, इंक्लिनेशन एंगल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर वर्क पीस जो है ऑटोमेटिकली खुद बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है बेटा कि इसमें क्या याद रखना है आपको, सेम वही है सेंटरलेस ग्राइंडिंग के बारे में जो मैंने आपको बताया था, लेकिन आपको याद रखना है बेटा कि जो स्पीड है, जो स्पीड है बेटा रेगुलेटिंग व्हील की, वो कम होगी, किससे, स्पीड ऑफ ग्राइंडिंग व्हील्स, ये ठीक है। तो रेगुलेटिंग व्हील की जो स्पीड है वो कम होगी और जो ग्राइंडिंग व्हील की स्पीड है वो बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब इसकी वजह से क्या होगा बेटा, इससे क्या होगा, ऐसा होने से कि रेगुलेटिंग व्हील जो है वर्कपीस की लॉन्गिट्यूडनल मोशन को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो रेगुलेटिंग व्हील कंट्रोल्स लॉन्गिट्यूडनल मोशन ऑफ वर्कपीस, वर्कपीस की जो लॉन्गिट्यूडनल मोशन है ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, उसे आपका रेगुलेटिंग व्हील कंट्रोल करेगा, ठीक है, कंट्रोल करेगा, ऑटोमेटिक फीड होगी, ये हम समझ चुके हैं, ठीक है। ओके, इसी तरीके से बेटा एक और टाइप होता है बेसिकली, जिसे हम कहते हैं सेंटरलेस इंटरनल ग्राइंडिंग, इंटरनल ग्राइंडिंग। तो इंटरनल ग्राइंडिंग जो होती है सेंटरलेस, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। नंबर फोर इंटरनल सेंटरलेस ग्राइंडिंग, इंटरनल सेंटरलेस ग्राइंडिंग ये होता है, ठीक है। अब इंटरनल जो सेंटरलेस ग्राइंडिंग होती है उसमें क्या होता है बेटा कि ग्राइंडिंग व्हील होता है, दिस इज द ग्राइंडिंग व्हील, इस पर ये एब्रेसिव पार्टिकल्स है, ओके, ऐसी एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, ओके, दिस इज द ग्राइंडिंग व्हील। अब यहां पर एक छोटा व्हील होगा, एक यहां पर वर्कपीस होगा, ये वर्क पीस बना लेता हूं मैं,
दिस इज द वर्क पीस एंड दिस इज हॉलो वर्क पीस एक्चुअली, ठीक है। और यहां पर एक छोटा सा व्हील और होगा, इन तीनों की जो एक्सिस है वो लगभग लगभग एक ही रहती है, ठीक है। ओके ये होगा, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा किसका किस व्हील का क्या फंक्शन है, ठीक है। अब यहां पर दो व्हील और होंगे, एक ये एक ये, ठीक है ठीक है। अब ये तो हो गया आपका ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है। ये दिस इज योर जॉब, जिसके इंटरनल सरफेस पे आपको ग्राइंडिंग करनी है, ठीक है। इंटरनल सरफेस पे या फिर एक्सटर्नल पे भी कहीं पे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो व्हील है, अगर आप इस सरफेस के बाहर जो है आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं, तो ये व्हील कहलाएगा आपका प्रेशर रोल, प्रेशर व्हील, ठीक है। और अगर आपको इनके इस इंटरनल ग्राइंडिंग करनी है, तो प्रेशर व्हील ये बन जाएगा और ग्राइंडिंग व्हील ये बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं बेटा, ये जो हॉलो जॉब है इसके आउटर सरफेस पर, आउटर डायमीटर पे हम ग्राइंडिंग कर रहे हैं। तो बेटा छोटा वाला जो अंदर है वो आपका प्रेशर व्हील कहलाएगा। अब आप कहते हैं कि सर इंटरनल में तो हम इंटरनल ग्राइंडिंग करेंगे, तो बेटा इन व्हील, ये व्हील अलग अलग हो जाएंगे। प्रेशर व्हील बाहर लगेगा बेटा बड़ा, और एक छोटा ग्राइंडिंग व्हील अंदर लगेगा, ठीक है। ये दोनों जो व्हील हैं, ये है बेटा सपोर्टिंग व्हील, सपोर्टिंग व्हील, ये होंगे आपके सपोर्टिंग व्हील, ओके ठीक है। तो ये होती है बेटा इंटरनल सेंटरलेस ग्राइंडिंग, ओके ठीक है। तो आज हमने देखा बेटा कि ग्राइंडिंग व्हील, जो ग्राइंडिंग मशीन होती है, मशीनिंग होती है, वो कितने टाइप की होती है, उसके कितने टाइप होते हैं ये जाना हमने, थोड़ा सा इसका बेसिक कंसेप्ट जाना, कौन सा प्रिंसिपल काम करता है ग्राइंडिंग के दौरान, ठीक है, हमने ये देखा। अब बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी ग्राइंडिंग के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे बेटा अगले लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर पसंद आया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको बेटा आगे इसी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो बेटा हर हालत में नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।